महाभारत के महायुद्ध के समय कई लोग युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन उन सभी में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम कहीं नहीं थे। यहां तक कि बलराम के भाई कृष्ण भी युद्ध में शामिल हुए थे। बलराम बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत युद्ध में शामिल नहीं होने के कई कारण थे और आज के रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और एक दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे, तो दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए और सभी ने उनका आदर किया। उसके बाद सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए और फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक बराबर हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, पर कृष्ण ने मेरी एक ना मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्रेम है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये थी इसके पीछे की वजह कि आखिर बलदाऊ क्यों नहीं महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे।